हेलो फ्रेंड्स, इम्प्रॉम्प्टू बॉटनी में आप सबका स्वागत है। आज हम सब लोग बात करेंगे चाय की प्रोसेसिंग के बारे में। तो चाय का एक प्याला जब आपके हाथ में पहुंचता है तो उससे पहले उसे एक लंबे चौड़े प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है इसे। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले हम बात करते हैं चाय को ग्रो करने के लिए। चाय जो है उसको ग्रो करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, वो हैं असम एंड वेस्ट बंगाल। वहाँ का क्लाइमेट चाय के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। ये पहाड़ी एरियाज़ में उगती है जहाँ पे कि टेम्परेचर जो है वो 28-30 डिग्री के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा चाय के पौधे को इतना प्रून किया जाता है कि वो श्रब लाइक हमें नज़र आता है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट जो होता है वो इसकी लीव्स होती हैं। और स्टार्टिंग की जो 5 लीफ होती हैं वो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने इसके बारे में इससे पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। आप प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर रेफर करें इस वीडियो को देखने के बाद में। अब हम बात करते हैं चाय की प्रोसेसिंग के बारे में। तो चाय की प्रोसेसिंग के दौरान सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट 5 लीफ होती हैं, इन लीव्स को प्लक किया जाता है, काटा जाता है। हैंड प्लकिंग एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। कई सारी लीव्स को कलेक्ट करने के बाद में इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। वहाँ पे चाय की मेन जो प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग 5 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं विदेरिंग, सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं रोलिंग, थर्ड स्टेप होता है फर्मेंटेशन का, फोर्थ स्टेप होता है ड्राइंग का, एंड फिफ्थ स्टेप होता है उसमें हम इसका ग्रेडिंग करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं। तो अब हम इन सभी स्टेप्स को 1 by 1 डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदेरिंग की। विदेरिंग का मीनिंग होता है चाय की पत्तियों में से मॉइस्चर को कम करना। तो इसके लिए चाय की पत्तियों को अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक रूम होता है, उन रूम्स के अंदर इन्हें रखा जाता है और उन रूम्स के अंदर इन्हें सुखाया जाता है, शेड में सुखाया जाता है। यदि इन्हें धूप में सुखाया जाएगा तो इन पत्तियों का कलर, इनका अरोमा जो होता है वो खराब हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। जब मॉइस्चर का अमाउंट काफी कम हो जाता है तो 10-14 आवर्स के बाद में इन्हें जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इसे हम रोलिंग कहते हैं। रोलिंग के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं। इन ऑटोमेटेड मशीन्स में इन पत्तियों को डाला जाता है और इनका एक होमोजीनस पेस्ट बना दिया जाता है। इस होमोजीनस पेस्ट में इनकी क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग के फलस्वरूप क्या होता है कि पत्तियां जो हैं उनके अंदर जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं और हम लोगों ने जो देखा था थीन वगैरह कंपाउंड्स हैं, वो एल्कलॉइड सभी बाहर आ जाते हैं और पत्ती की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करने लग जाते हैं। तो रोलिंग का मेन पर्पज यही होता है कि हमें एक होमोजीनस पेस्ट बनाना होता है। रोलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन के बाद ही जो हमें हमारी ओरिजिनल हमारी जो ब्लैक टी है वो हमें मिलती है। इससे पहले वाला जो होमोजीनस मिक्सचर है, यदि इसे इस्तेमाल किया जाए ड्रिंकिंग के अंदर, तो इसे हम ग्रीन टी कहते हैं, जबकि फर्मेंटेशन के बाद हमें ब्लैक टी मिलती है। फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटेशन चैम्बर्स होते हैं। फर्मेंटेशन चैम्बर्स में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है और इतने हाई मॉइस्चर पे और इतने लो टेम्परेचर के ऊपर इन्हें फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान पत्तियों में पाया जाने वाला पॉलीफिनॉल कैटेचिन जो होते हैं वो थियारुबिन और थियाफ्लेविन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस एक ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। कैटेचिन एक पॉलीफिनॉल है, तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करेगा और कैटेचिन को थियाफ्लेविन एंड थियारुबिन में कन्वर्ट कर देगा। इसी की वजह से चाय का जो स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक अरोमा होता है, वो पाया जाता है। ये सारा प्रोसेस एक क्लोज चैम्बर में होता है और इस प्रोसेस का टाइम अलग अलग होता है। अगर मानसून का टाइम है तो फर्मेंटेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और अगर नॉर्मल समर्स का टाइम है तो फर्मेंटेशन थोड़ा स्पीडली हो जाता है। चाय का फर्मेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। अगर फर्मेंटेशन को हमने कम समय दिया तो भी चाय का वो बेहतरीन कलर और टेस्ट हमें नहीं मिलेगा, और अगर चाय को फर्मेंटेशन के लिए हम लोगों ने कम टाइम दिया तो भी चाय के अंदर वो टेस्ट एंड अरोमा नहीं आएगा। तो फर्मेंटेशन को बिल्कुल ऑन पॉइंट राइट टाइम के लिए किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं, एयर ड्रायर चैम्बर्स, उनमें की जाती है। ड्राइंग के लिए 100 से लेकर के 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चाय की पत्तियों को सुखाया जाता है और सुखाने के लिए लगभग 20 से लेकर के 30 मिनट के आसपास का टाइम इसको दिया जाता है। सूखने के बाद जो पत्ती होती है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की टी हम लोग को मिलती है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मीनिंग होता है
चाय के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के दानों को अलग अलग करना, चाय के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जो दाने होते हैं इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर साइज़ की सीव्स पाई जाती हैं, तो बहुत बड़ी साइज़ के जो चाय के दाने होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, मीडियम साइज़ के जो चाय पत्ती होती है उसे अलग कर लिया जाता है, और जो चूरा होता है उसे अलग कर लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है सॉर्टिंग का, और सॉर्टिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो किया जाता है वो है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग में चाय को टेस्ट के, अरोमा के, कलर के बेसिस पे, बिटरनेस के बेसिस पे, और इसमें अल्कलॉइड का कितना स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे इसको ग्रेड किया जाता है। आप लोगों ने चाय के पैकेट पे एक वर्ड लिखा हुआ देखा होगा जिसे हम बोलते हैं CTC। CTC का मीनिंग होता है क्रशिंग, टियरिंग एंड कर्लिंग। क्रशिंग, टियरिंग एंड कर्लिंग जो है वो एक CTC मशीन्स के थ्रू की जाती है, जो कि मैंने अभी आपको चाय की प्रोसेसिंग बताई, उन्हीं से रिलेटेड टर्म होती है, और एग्जाम्स के अंदर ये काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि चाय का एक प्याला आप जो इन्जॉय करते हैं वो कितनी लंबी जर्नी पार करके आपके पास में पहुँचा है। सो इन्जॉय योर कप ऑफ टी एंड ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग इम्प्रॉम्प्टू बॉटनी विद इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।